हेलो फ्रेंड, आसान हो रही है सर की और मैं कर रही हूँ इफ्तारी की तैयारी। सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ी बेसन की, तो बननी ही है, डेली रहती है, मस्ट ही है। तो इसके लिए मैंने बेसन रख निकाल लिया है और प्याज काटने जा रही हूँ। प्याज मैंने काट के रख ली है। अब मैं ला रही हूँ गाजर छिले। अब मैं काटने जा रही हूँ खरबूजा। मैंने खरबूजा काट लिया है और अब मैं काटूंगी। ये मैंने खरबूजा काट लिया है, अब मैं काटने जा रही हूँ ये एप्पल। देखिए एप्पल, और अब मैं ये संतरों को छीलूंगी। मैं अभी करने जा रही हूँ अफ्तार की तैयारी, तो सारे घूनी मैंने बना ली है और ये सिर्फ फ्रूट जो है ये संतरे की फागे मैं सब अरेंज कर रही हूँ। ये मैंने काट लिए हैं। अब है ये तरबूज, अब मैं काटने जा रही हूँ तरबूज। कल जो तरबूज आया था वो कच्चा निकल गया था, आज मैंने पहले ही इसमें टांका लगवा लिया था। तो ये देखिए, ये काट लिया मैंने तरबूज। ये जल्दी जल्दी मैं तरबूज की खाके काट ले रही हूँ। कितने सुंदर तरबूज मुझे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्या खूबसूरती है इनकी। आज मुझे सिर्फ फ्रूट्स ही काटना है और घूगनी जैसे मैंने बोला बना चुकी हूँ मैं, कचरी जब ही लास्ट में तल दूंगी और बस कुछ खास नहीं। ये आम, ये नए सीजन का फ्रूट है तो इधर आ रहा है, टेस्ट अच्छा नहीं है, कच्चा है, खट्टा खट्टा टेस्ट है इसका, लेकिन फिर भी चलिए आ ही गया है। तो ये मैंने ये काट लिया है और अब ये केले हैं, इनको भी मैं छील ले रही हूँ। केले छील ले रही हूँ। तो ये मैंने काट ली है सब्जियाँ। अब ये है नारियल पानी। तो इसको मैं स्ट्रॉ से नहीं पीऊंगी, इसको मैं निकाल दूंगी ग्लास में। इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं कटवा के लाई थी, यहाँ से मंगवाया था मैंने, ऐसे देखिए यहाँ से इसको कटते ही देखिए मुझे फेंकने लगता है। इसमें जो है इसमें जैसे ही छोटा सा होल होगा बस इसमें से रस फेंकने लगता है। ये देखिए देखिए, जैसे ही प्रेशर से लॉक रहता है, जैसे ही खोलती हूँ तो इसमें से पानी गिरने लगता है। नारियल पानी पीने के लिए साथ में स्ट्रॉ भी मिला है, लेकिन क्या है, रोजा है तो अभी स्ट्रॉ से नहीं पिएगी। इसको मैं काट करके मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ, अफ्तार के टाइम में निकालूंगी इसको। अब मैं बनाने जा रही हूँ रू अफजा। तो ये
नहीं, मैं तो कुछ कर रही हूँ, जा रही हूँ शरबत बनाने, ये इसमें डाल दिया रुआउजा, ये लौंगा डाल दिया और ये अब इसमें डाल दूंगी पानी। ये मेरा शरबत हो गया तैयार, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। सारे फल मैंने काट लिए हैं, ये देखिए, ये तरबूजा मैंने काट लिया है, ये संतरा, आम, केला, खरबूजा, सारे फल, ये मेरा ये जो है नारियल पानी, और ये अंगूर, खरबूजे, ये सारे अफ्तार की तैयारी मैंने कर ली है। दाल बस कचड़ी अजान के वक्त बना देनी है, जब मगरिब का टाइम होने लगेगा तो मैं झट से कचड़ी छान लूँगी, और ये बेसन के पकौड़े, और उसके लिए मैंने प्याज और हरी मिर्च के पकौड़े मैंने रेसिपी शेयर की थी वही मैं बनाऊंगी। दाल बन चुकी है, सलाद के लिए प्याज काटे जा रहे हैं तो, और ये थोड़ा सा मैंने चना जो है इसको मैंने अंकुरित कर लिया था, ऐसे पोषण बहुत ज़रूरी होता है, तो कच्चे चनों को मैंने इसमें देखिए स्प्राउट हो चुके हैं, ये इसमें से देखिए ये स्प्राउट हो चुके हैं, ये एक दो दिन और छोड़ूंगी तो और बड़े बड़े पूछ निकल आएंगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्प्राउटेड बीन, प्रोटीन उसमें ज़्यादा होता है अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने स्प्राउट कर लिया है। और ये मेरा रूह अफ़ज़ा का शरबत, तो ये थी मेरे 8वें रोजे के अफ्तार की तैयारी और फ्रूट की कटिंग। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।